Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And... Hello, students. Welcome to Lakshya Academy Abhor. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture stone today is number 1, which is from the chapter 6, Application of Derivative of Class 12. So let's start, students, our lecture today. See, student, today we are going to discuss the content in this lecture. Firstly, I will discuss the meaning of introduction of this chapter, then the meaning of the rate of change of quantity, then examples of the rate of the change of quantity. Okay, students, so this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay, students, so let's start, students, our lecture today. Firstly, I will discuss the introduction of this chapter. क्या कहते हैं, derivative has many applications in engineering. Derivative जो है उसी कुछ बहुत ज्यादा applications है, कहाँ कहाँ पे, engineering में, science में, social science में, life science में, information science में, and many other fields. कहते हैं, in this chapter we see the derivative can be used to determine rate of change of quantities. इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले डिटरमाइन करना सीखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट, एंड टू डिटरमाइन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, विच इन टर्न विल हेल्प अस टू डिटरमाइन व्हेन ए कर्व रीचेस पॉइंट वेयर द फंक्शन इट इज ग्रेटेस्ट और लीस्ट. इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट को, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आप कह सकते हो. एंड टू अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज, अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, उसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी आती है. कहते हैं वैल्यूज ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज, फाइनली वी यूज डेरिवेटिव. हम यूज करेंगे किसका, डेरिवेटिव का, एंड इट्स एप्लीकेशन टू स्केच ग्राफ ऑफ सर्टेन फंक्शन विच आर इंपॉर्टेंट इन फर्दर स्टडी. और इसके जो फर्दर स्टडी करने के लिए हम इसको इंपॉर्टेंट है ये जो चैप्टर, ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको सारे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स, कर्व रीचेस पॉइंट ऑन द फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू स्टडीज है वो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रखती है. देखिए स्टूडेंट, अब इसके आगे, नाउ फर्स्टली आई विल डिस्कस द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी. इसका मीनिंग समझिए क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का. कहते वी नो दैट द डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डी एस बाई डी टी का कि मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस. ये एस क्या चीज है, कोई डिस्टेंस ले लिया एस. कहते द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी. कहते इस एस का जो टाइम चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है. तो इसको क्या बोल लेंगे कि मींस दैट, मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी इन जनरल इफ क्वांटिटी वाई वाई वेरीज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एक्स सेटिस्फाइंग सम रूल. मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हो कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप क्या करोगे, किस तरीके से डेरिवेटिव निकालते थे कि डी वाई बाई डी एक्स. इसका मतलब क्या होता था कि इसको हम इस तरीके से लिखते थे एफ डैश एक्स से, एक मैं आपको बताता था वाई वन से और एक वाई डैश से. ये चार सिंबल होते हैं डेरिवेटिव के सिंबल को सोल्व करने के. इसका मतलब क्या होता था, कहते रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, कि आप रेट ऑफ चेंज कर रहे हो किसका, वाई का, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो. तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि ठीक है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज, डी का मतलब बताया था मैंने आपको, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किस फंक्शन का कर रहे हो, वाई का कर रहे हो, और डेरिवेटिव जो होता है कोई किसी ना किसी के रिस्पेक्ट टू होता है, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हो वाई फंक्शन का, इसका रेट चेंज कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट करोगे, वो आप एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो. तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और एंड अगर ऐसे लिखा हो कि डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, इसको बोलते हैं एक्स नॉट, एक्स जीरो को क्या बोलते हैं, एक्स नॉट, या इसको बोलते हैं एफ ऑफ डैश एक्स जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, मतलब सबसे पहले डी बाई डी एक्स की आप फाइंड कर लो और उसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक्स नॉट, ठीक है. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एफ डैश एक्स नॉट,
represent the rate of change of y with respect to x at x equal to naught. ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, इसको पढ़ना है. रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू, जिसके आप रिस्पेक्ट टू चेंज करना चाहते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब देखिए स्टूडेंट, इसके आगे कहता है फर्दर, अगर आपको टू वेरिएबल्स दियो, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल टी. कहते हैं एक्स और वाई दो फंक्शन है और ये दोनों वेरी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, टी के. मान लीजिए एक्स फंक्शन दिया हुआ है, एक्स फंक्शन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टी एंड वाई फंक्शन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ टी. तो देखिए जी, मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू भी गिवन दी हो और वाई की वैल्यू गिवन दी हो, तो मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था कि कौन से फंक्शन होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन होता है. पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू भी दी होती है और वाई की वैल्यू गिवन दी होती है और दोनों की जो वैल्यू है सेम टर्म्स के अंदर होनी चाहिए. देखिए जैसे एक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी है और वाई की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ टी है, तो बाई चेन रूल के अंदर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका dx by dt फाइंड करेंगे और यहां से dy by dt फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आती होती है, d by dx की. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है. कहते हैं दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड दैट ऑफ x इज विद रिस्पेक्ट टू t. ओके स्टूडेंट, मीन्स dx by dt एंड d by dt, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. तो नोट क्या कहता है, कहता है थ्रू आउट दिस चैप्टर बाय रेट ऑफ चेंज वी मीन द इंस्टेंस रेट ऑफ चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द चेंज इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और नॉट. ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर हम पढ़ना क्या है कि रेट ऑफ चेंज होता है या वो रिस्पेक्ट टू टाइम होगा या नहीं होगा, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. देखिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल वन, ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्वेश्चन ईजी है, बस आपने ध्यान से करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है सर. कहते फॉर दी कर्व, ये कर्व आपको गिवन दी हुई है कि y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब. कहते इफ x इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड, देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 3. कहते कि स्लोप जो है कर्व चेंज कब करेगा x इक्वल टू 3 पे, ये फाइंड करना है. x इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2, इसका मीनिंग समझ लो कि x इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड के, पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो x इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपको गिवन दिया हुआ है सॉल्यूशन कि इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स. इसका मतलब है कि आपको गिवन दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कि x इंक्रीज कर रहा है, तो मींस डेरिवेटिव दिया हुआ है x का किस रिस्पेक्ट, टाइम के, तो dx by dt कितना दिया हुआ है 2 यूनिट्स तो इक्वल टू 2. आपको ये गिवन दे दिया कि dx upon dt किसके इक्वल है 2 के. इस लाइन का मतलब क्या है, x increases at the rate of 2 यूनिट का मतलब क्या है कि x increase कर रहा है कितने रेट पे कर रहा है 2 यूनिट पे, तो मतलब dx किसके रिस्पेक्ट कर रहा है सेकंड के, तो मतलब dt इक्वल टू 2, ये आपको गिवन दिया हुआ है. और फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, नाउ y इज इक्वल टू 5x माइनस 2x क्यूब, ये आपको गिवन दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्या करना है, हमने स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकलेगा कि जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x, तो dy / dx किसके इक्वल आएगा, देखो इसको सोल्व करोगे, इसे डायरेक्टली लो तो यह आएगा 5 माइनस पावर आगे आ जाएगी तो यह जाएगा 6x स्क्वायर. ठीक है सुन, ये आपके पास क्या आ गया, विच इज ए स्लोप ऑफ कर्व, जो आपके पास कर्व दी थी उसका हमने क्या कर दिया, स्लोप निकाल दिया. d by dx की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कहता है, क्या इसका रेट ऑफ चेंज करना है. कहता है कि आपको गिवन क्या दिया है, dx by dt इक्वल टू, कहता है इफ x इंक्रीज द रेट ऑफ 2 यूनिट्स देन हाउ फास्ट इज स्लोप, इस जो आपके पास इस लाइन का स्लोप आएगा उसका फिर रेट ऑफ चेंज करेंगे, मतलब इस लाइन का रेट ऑफ चेंज करोगे, मतलब किसके रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज करना है, टाइम के रिस्पेक्ट करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करना है आपने, देखिए स्टूडेंट्स, नाउ लिख दोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जो आपके पास स्लोप आया है, ये स्लोप आया है, इसका रेट ऑफ चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट, तो
तो मतलब d बाई डी टी फाइंड करना है, किसका, इस स्लोप का, d बाई डी एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब d बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे कि d बाई डी टी, d बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब करना है आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, तो 5 का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x, फिर x का अगेन डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट करना है, t का, तो डी एक्स बाई डी टी, तो आपके पास बनेगा माइनस 12x, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी गिवन दी थी, 2 इंटू में 2 लिख देंगे, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का 24x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 24x आ गया। आपने को x की वैल्यू गिवन दी थी कि जो आप स्लोप निकालोगे रेट ऑफ चेंज करने के बाद, उसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो आपके पास जो स्लोप आया रेट ऑफ चेंज का वो 24x आया, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 72। ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो लैंड में लाइन लिख देंगे कि देयरफॉर स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, स्लोप ऑफ कर्व डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 72 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, देखो माइनस का अंदर आंसर आया है, तो ये जो स्लोप हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव में आता तो इंक्रीज होता, तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 72 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास। देखिए एक बार रिपीट करा रहा हूं, कहता फॉर द कर्व वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन इफ एक्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स। एक्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स का मतलब क्या है कि एक्स इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट, टाइम के, तो dx by dt की वैल्यू आपको दी हुई है 2। कहते हैं कि जो कर्व है इसका जो स्लोप है इसका रेट चेंज करना है टाइम के रिस्पेक्ट, तो जो उसकी वैल्यू आएगी तो आपके पास x की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो पहले मैंने जो गिवन लाइन थी उसका स्लोप निकाला, ये स्लोप आ गया डेरिवेटिव करके, फिर इसका रेट ऑफ चेंज करा रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो टाइम टी के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 24x। फिर x वैल्यू क्या पुट करनी थी, 3, इसमें x वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो माइनस का 72, तो माइनस आंसर आया, तो मतलब जो स्लोप हो रहा है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिख देंगे स्लोप ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 72 यूनिट्स पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सोल्यूशन, स्टेटमेंट को रीड करो, कहते हैं टोटल कॉस्ट सी एक्स, टोटल कॉस्ट को सी एक्स से नोट कर लिया, कहते हैं एसोसिएट विद द प्रोविजन ऑफ फ्री मिड डे मील्स टू एक्स स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन प्राइमरी क्लासेस गिवन बाय। आपको एक सी एक्स फंक्शन दे दिया, जैसे आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन दिया जाता है, अब आपको एफ ऑफ एक्स की जगह पे सी एक्स गिवन दे दिया, और सी क्या चीज है, टोटल कॉस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहता है इफ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट को एमसी से डोनोट करते हैं, इज गिवन द रेट ऑफ चेंज dc upon dx of total cost, write the marginal cost of the for 300 students, what value is shown here, तो इसकी what shown करना है कि इसकी value कितनी आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गिवन दिया हुआ है here cx किसके इक्वल है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 30x प्लस 50। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन को गिवन दिया हुआ है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है आपने। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मार्जिन कॉस्ट होता है कि जो फंक्शन सी दिया हुआ है इसका रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीसी बाई डी एक्स, ये मार्जिन कॉस्ट निकालने का फार्मूला है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो तो मार्जिन कॉस्ट निकल जाएगी। देखिए डीसी बाई डी एक्स लिखा हुआ, मार्जिन कॉस्ट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज किसका, सी का रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रेट ऑफ चेंज कर दिया रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स किसका 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर
प्लस 30x प्लस 50, इसका डायरेक्टली फाइंड करो तो आपके पास देखो किसकी वैल्यू आएगी, डी सी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी तो आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.015 इंटू एक्स स्क्वायर, 0.015 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गेन डायरेक्टली करेंगे तो 1, फिर माइनस, फिर 2 आगे आ जाएगा, 0.02 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.04 इंटू एक्स, 30x का डायरेक्टली करेंगे तो प्लस का 30, 50 का डायरेक्टली 0, या के पास डायरेक्टिव आ गया। कहता है कि राइट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फोर्थ 300 स्टूडेंट, आपको टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं 300 स्टूडेंट दिए हुए हैं, मतलब ये आपको x की वैल्यू गिवन दी हुई है, तो इसमें x की वैल्यू को हम 300 पुट करेंगे, फिर देखते हैं आपके पास कितनी वैल्यू आती है, पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 300, तो लेकिन देयर फोर मार्जिनल कॉस्ट किसकी इक्वल आएगी 0.015 इंटू में 300 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 300 प्लस 30, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 इंटू 300 का स्क्वायर तो 9000 माइनस 0.04 इंटू 300 प्लस 30, ये पॉइंट आऊंगा नीचे कितना आ जाएगा 100, इधर पॉइंट आएंगे नीचे कितना आ जाएगा 1000, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 15 को 9 से किया आप करोगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आएगा 1350 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस 30, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1368, तो लिखेंगे देयर फोर हेयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फ्री मिड डे मील्स फॉर 300 स्टूडेंट्स इज शोन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए आपको कुछ नहीं करना कि आपको टोटल कॉस्ट दी थी सी एक्स, तो मैंने सबसे पहले क्या किया मार्जिन कॉस्ट निकालनी थी, मार्जिन कॉस्ट को इन्होंने नोट किया हुआ डी सी बाई डी एक्स, तो मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स, मतलब जो आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे, डायरेक्टली फाइंड करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर कहता है कि जो कॉस्ट है वो 300 स्टूडेंट के लिए है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है 300 गिवन दी है, जो आपके पास डी सी बाई डी एक्स है उसमें 300 पुट कर दोगे और सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, मतलब व्हाट वैल्यू शो इन, तो आपके पास वैल्यू जो आ गया वो 1368 आ गई, ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन एक और कराता हूं आपको, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आया, कहता है इसका बी पार्ट, सेम क्वेश्चन है बेटे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये आपको सी गिवन दिया हुआ है, कहता है गिव्स द अमाउंट ऑफ कार्बन पोल्यूशन इन एयर इन एरिया ऑफ द एंट्री ऑफ एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स, देन फाइंड द मार्जिनल कार्बन पोल्यूशन इन एयर व्हेन थ्री व्हीकल्स हैव एंटर्ड इन द एरिया एंड राइट विच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए इसका सोल्यूशन, फंक्शन दिया हुआ सी, इसको लेके चलते हैं, नाउ सी इज इक्वल टू 0.003x क्यूब प्लस 0.02x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 250, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने करना क्या, सुन इसका रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो लिखेंगे डी सी बाई डी एक्स, इसका रिस्पेक्ट टू करेंगे डेरिवेटिव तो कितना आएगा 3 पावर आगे आ जाएगी, तो ये आपका 0.009 एक्स स्क्वायर, फिर इसको 2 पावर आगे आएगी तो 0.04 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया, तो मतलब आपके पास इसका मतलब क्या हो गया, ये डी सी बाई डी एक्स, तो आपके मार्जिनल कार्बन पोल्यूशन आपके पास आ गया, तो लिख दो देयर फोर मार्जिनल कार्बन पोल्यूशन आपके पास कितना आ गया 0.009 एक्स स्क्वायर प्लस 0.04 एक्स प्लस 6। अब आपको कितने विकल्प दिए हुए हैं, 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो मतलब इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो देयरफॉर dc बाय dx किसके इक्वल आएगा 0.009 इनटू 3 का स्क्वायर
प्लस 0.04 इंटू 3 प्लस 6। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपने डेरिवेटिव करना है और वैल्यू को पुट करना है और सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा 9 को 70 प्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.081। 3 को 70 प्लाई करेंगे तो 0.12 प्लस 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.201। ये आपके पास आंसर आ गया। तो लिख दो देयरफॉर मार्जिनल कार्बन पोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा 6.201 के, 6.201। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है सुन, ये थी एग्जांपल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। बहुत इजी सम है, बस आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसके बाद आपको वैल्यू गिवन दी हो एक्स की वैल्यू पुट करोगे और जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और सेम क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको आर एक्स गिवन दिया हुआ है। आर का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू। कहते हैं दी टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। आपको टोटल रेवेन्यू आर एक्स गिवन दिया हुआ है। कहता है फाइंड दी मार्जिन रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 7। एक्स इक्वल टू 7 पे मार्जिन रेवेन्यू फाइंड करनी है। तो आपको जो गिवन दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। लिखेंगे हेयर आर एक्स इज इक्वल टू, आपको गिवन दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा? डी आर बाई डी एक्स के। इसका डेरिवेटिव फाइंड करो तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट्स? 2x। तो ये पावर आगे आ जाएगी तो कहते 26x प्लस 26x का 26। ठीक है, 26x प्लस 26 ये किसकी वैल्यू आ गई? डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है सुन, अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 7। तो देयर फोर डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 26 × 7 प्लस 26। 26 × 7 करोगे तो आएगा 182 प्लस 26 इज इक्वल टू कितना आ गया? 208। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इजी बहुत है, बस आपने डेरिवेटिव करना है। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन कहते हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट द विच द एरिया ऑफ सर्कल। आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का रेट चेंज करना है। कहते हैं इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, कि मतलब आर के वैल्यू 10 गिवन दी हुई है। सबसे पहले करना है एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो आर है, आर सेंटीमीटर, बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, मीटर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट कर लेते हैं कि आर के किसको नोट कर रहा है, सर्कल के रेडियस को। ठीक है सुन, फॉर गिवन कंडीशन आपको गिवन कर दिया है। फॉर गिवन कंडीशन देखो, कदि रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहते रेडियो सर्कल इंक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, सेकेंड के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो मतलब डी आर बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ रेडियस इंक्रीज हो रहा है किस रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट, कितने यूनिट चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन दी है, 3 गिवन दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल। आपको पता है कि एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, एरिया को क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तब इसका रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, रेट चेंज करोगे। तो लिखोगे देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया किसके इक्वल होगा, डी ए बाय डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज कर रहे हो रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डी बाई डी टी इंटू में पाई आर स्क्वायर।
आप इसका करो, पाई तो कॉमन आ जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, फिर अगेन डेरिवेटिव r का dr by dt, अब dr by dt की वैल्यू आपको गिवन दी है 3, इधर पुट कर देंगे तो आगे बस आ जाएगा 2 पाई r इंटू में 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 पाई r, ठीक है जो। अब r की वैल्यू आपको गिवन दी है 10, तो r की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो आगे बस आंसर क्या आएगा देखिए, पुट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो देयर फोर जो एरिया इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 6 पाई इंटू 10, तो ये आ जाएगा 60 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटे। ये सिंपल क्वेश्चन था और आपने सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से आपने सोल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीट करवा रहा हूं। कहते हैं द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है किसके रेट पर, सेकेंड की रेट, मतलब डी आर बाई डी टी किसकी, कितना दिया आपको 3 के इक्वल दिया हुआ है, और किसका रेट चेंज करना है आपने, एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ए बाई डी टी, तो हमने एरिया गिवन दिया हुआ था पाई आर स्क्वायर, तो इसका रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आपके पास बना 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी वैल्यू 3 थी, ये मैंने वैल्यू 3 पुट करी तो आपके पास आंसर आया 6 पाई आर, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 10, तो आर की वैल्यू 10 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, इसके दो पार्ट हैं, मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट स्टूडेंट आप अपना करोगे, ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप अपना करोगे, सेम क्वेश्चन है दोनों। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, कहते स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक एंड वेव्स मूव्स इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहते हैं कि स्टोन है ड्रॉप इनटू क्विट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल, ये इसकी कहां पे मूव कर रहे हैं, सर्कल के अंदर, कितनी स्पीड पर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड में चेंज कर रहे हैं। कहता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव्स इज 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कहता है कि इसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा सर्कल का, सर्कल की बात हो रही है सर्कुलर वेव्स की, तो मतलब सर्कल लेके चलना है, तो लेट कर लेते उसी तरीके से जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था कि लेट आर बी दी, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ दी, सीधे ये मान लेते हैं सर्कुलर वेव, रेडियस ऑफ दी सर्कुलर वेव एंड ए मान लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने लेट कर लिया कि आर रेडियस को नोट कर रहा है, ए किसको कर रहा है एरिया, उसको एरिया ऑफ द सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपके पास क्या फार्मूला आता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसका रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा, डी रिस्पेक्ट टू डी टी पाई आर स्क्वायर करो, इसका आंसर कितना आएगा 2 पाई आर, फिर आर का गेन डायरेक्टिंग डी आर बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका बन गया। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपने को दिया हुआ है कि ए स्टोन इज ड्रॉप इन टू क्विट लेक एंड मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो उसका रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है सेकेंड के स्पेक्ट, मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन दी हुई है, यहां पर लिख सकते हो कि फॉर गिवन कंडीशन therefore कि डी आर बाई डी टी है वो किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा कि डी ए बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या आपने निकालना क्या है कि 10 सेंटीमीटर हो तब उसका आंसर कितना आएगा, तो आर की वैल्यू 10 आपको गिवन दी हुई है तो यहाँ पे आर की वैल्यू का पुट करेंगे 10 लिखेंगे, therefore
when R is equal to 10 centimeter, तो therefore dA by dt किसके इक्वल आ जाएगा, 8 pi R है, तो यहां पे लिख देंगे 8 pi into 10 centimeter, तो 8 pi into 10 कितना देगा, 80 pi centimeter square, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लैंड के अंदर लाइन लिख देंगे जो उन्होंने बोला था कि हाउ फास्ट इज इंक्रीजिंग द एरिया, तो लिख देंगे देयरफॉर द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन आर इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ था कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्विट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहते एक स्टोन है जो मूव्स कर रहा है सर्कल्स के अंदर, कितनी स्पीड है, 4 सेंटीमीटर, किसके स्पेक्ट, सेकंड के स्पेक्ट, मतलब आपको गिवन दिया हुआ है कि dr by dt किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। कहता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव 10 सेंटीमीटर हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कैसे इंक्रीज होगा वो बताना है। तो लेट कर लिया कि r भी रेडियस ऑफ द सर्कल और a मान लिया एरिया ऑफ द सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो मैंने इसका रिस्पेक्ट टू t किया तो आगे बस आया 2 पाई आर dr by dt, dr by dt की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी, ये मैंने यहां पे पुट कर दी, तो आपके पास आ जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर, आर की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी थी, इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो द क्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 6 जो आपने मेरे से डिस्कस किया, और एग्जांपल नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट, बिल्कुल एज इट इज आपने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर कहीं प्रॉब्लम आती हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888682802, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन आपको फाइंड करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। Thanks for watching my video soon. Thank you. Have a nice day. Do you want to know? Well, I've been thinking about you.